हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त दिनेश प्रजापति फ्रॉम वीरभूमि मरुभूमि राजस्थान से। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे व्यस्त होंगे। तो एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं मौजूद हूँ जयपुर के अंदर, कुछ कार्य के हिसाब से आया था। तो अभी राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर मैं आपको अभी मेट्रो स्टेशन का सफ़र करवाऊँगा। तो अभी मैं मौजूद हूँ अभी मानसरोवर मेट्रो स्टेशन रेलवे के बाहर खड़ा हूँ। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये फ्लाईओवर है जिसके ऊपर, ये पूरे शहर के अंदर ये फ्लाईओवर है, इसके ऊपर मेट्रो रेल चलती रहती है पूरा दिन, 24 घंटे दिन रात चलती रहती है। तो इसकी व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, हर सिटी सेक्टर को जोड़ा गया है, 10-15 जो भी सेक्टर हैं उसको जोड़ा गया। आप इसमें आप ट्रैवल कर सकते हैं, सस्ता माध्यम है। तो अभी फ़िलहाल ये नीचे वाली रोड हाईवे है, ऊपर ये रोड आप देख सकते हैं, ये जो बनी हुई है फ्लाईओवर, इसके ऊपर पूरी मेट्रो ट्रेन चलती है। और इसके ऊपर मैं आपको लेके जाऊंगा, पीछे देख सकते हैं मेरे, ये पूरा स्टेशन बना हुआ है, ऊपर बना हुआ है पूरे टावर बिल्डिंग, इसके अंदर गाड़ी आती है रेलवे, और इसके अंदर भी जो भी प्लेटफॉर्म लगते हैं और टिकट भी वहाँ पे मिलता है, सस्ता सुंदर और अच्छा सफ़र है। और ऊपर से आप पूरे शहर का दीदार कर सकते हैं, दृश्य देख सकते हैं। तो मेरे साथ ऐसे ही बने रहे, मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर की ओर, नज़ारा दिखाता हूँ और मेट्रो ट्रेन का सफ़र करवाता हूँ, और ऊपर से जो शहर का व्यू है वो मैं दिखाता हूँ। तो फिलहाल मैं चलता हूँ आपको अंदर लेके और टिकट लेता हूँ, फिर अंदर सफ़र करते हैं। ये बाहर का नज़ारा है, ये हाईवे है, आप देख सकते हैं पूरे शहर का, और ऊपर जो बना हुआ है आप गायब देख सकते हैं, पूरा ये फ्लाईओवर है, पूरे शहर में बसाया गया है पूरा। तो इसमें रेलवे ट्रैक बना हुआ, उसके ऊपर ये इलेक्ट्रिक मेट्रो ट्रेन दौड़ती है, ये स्टेशन है, प्लेटफॉर्म है, और आपको अंदर लेके चलते हैं। ये देखिए गाइस, ये प्रवेश द्वार है। एक स्वचालित सीढ़ियाँ हैं और एक पैदल ट्रैक आप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये व्यवस्था की गई है। ये ऊपर का नज़ारा आ गया, पूरा ऊपर का प्लेटफॉर्म, और आप सीधा यहाँ जा सकते हैं, प्लेटफॉर्म आ गया ऊपर, आप देख सकते हैं अंदर टिकट काउंटर लगे हुए हैं, और इधर बाहर जाओगे आपको ट्रेन मिल जाएगी। हर 15-10 मिनट में पूरी सिटी के घूमने के लिए ट्रेन ऊपर मेट्रो चलती है। और इस तरह से ये आप देख सकते हैं ट्रेन आ रही है, आप देख सकते हैं ये प्लेटफॉर्म पे आ गई है, और ये पूरा शहर का दृश्य आप देख सकते हैं गाइस। ये नीचे हाईवे है, ऊपर फ्लाईओवर पर पूरी रेलवे ट्रैक बिछाई गई, जिससे ट्रेनों का आवागमन ऊपर ही रहे। और इस तरह से बिल्डिंग बनी हुई है, देखते हैं अंदर का नज़ारा। सो गाइस, अंदर का नज़ारा आप देख सकते हैं, वहाँ काउंटर खिड़की है, वहाँ से मैंने टिकट ले लिया, और अंदर का स्पेस आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है। और अब अंदर ऊपर की ओर चढ़ते हैं। अब आ गए हैं फर्स्ट टॉप फ्लोर पे, स्वचालित सीढ़ियाँ भी है और पैदल भी आ सकते हैं। अब ये प्लेटफॉर्म आ गया है जहाँ ट्रेन आएगी और उसमें बैठ के सफ़र करेंगे। ये आता है कॉइन। सो गाइस, ये देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर पे ये ट्रैक है, और इस तरह से ट्रैक बने हुए आप देख सकते हैं। यहाँ से शहर का कुछ इस तरह से नज़र आप देख सकते हैं, और ये इस तरह से ये फर्स्ट और सेकंड और थर्ड तक जाने के लिए ये सीढ़ियाँ भी लगी हुई हैं। सो गाइस, ये मेट्रो आ गई, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी और सुंदर दिख रही है, इलेक्ट्रिक पे दौड़ती है। अभी ऑटोमेटिक गेट खुलेंगे इसके। अगला स्टेशन विवेक विहार है। यात्रियों की सुगम प्रवेश के लिए दरवाजों से हटकर खड़े हैं। नेक्स्ट स्टेशन इज विवेक विहार। सो गाइस, अभी मैं रेलवे मेट्रो में बैठा हूँ और मेट्रो का सफ़र कर रहा हूँ। अभी मैं मेन रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर है अंदर का नज़ारा, और काफ़ी स्मूथ मोड में चल रही है, इलेक्ट्रिक पावरफुल गाड़ी है, और फ्लाईओवर पे चल रही है, पूरी सिटी के अंदर घूम रही है, और आप इसका दीदार कर सकते हैं कभी भी आओ रेलवे ट्रैक पर।
काफ़ी अच्छी रफ्तार से दौड़ती है, स्पीड ट्रेन है, इलेक्ट्रिक करंट पे दौड़ती है, ऊपर फ्लाईओवर पे दौड़ती है, ऊपर ट्रैक बिछाया गया है, अंदर से काफ़ी फैसिलिटी है। और आपको अभी मैं शहर का दीदार करा रहा हूँ। ये देखिए गाइस, कुछ इस तरह से ये प्लेटफॉर्म आते हैं, अलग अलग सब अलग अलग प्लेटफॉर्म ऊपर ही बने हुए हैं सब जगह के, नीचे जाने के लिए। और अंदर से आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी और खूबसूरत है, देख सकते हैं। और ये सब ऑटोमेटिक मोड के स्टेशन वगैरह सब अलाउंस होते रहते हैं, प्लेटफॉर्म का दूरी और प्लेटफॉर्म का नाम वगैरह सब बताते रहते हैं, आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं पूरा सिटी का नज़ारा, ये सब बिल्डिंगें बनी हुई है जयपुर में, ये जो सिटी का नज़ारा आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह से बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और जयपुर शहर का नज़ारा आप देख सकते हैं गाइस, मेट्रो सफ़र में आप भी कर सकते हैं। तो जब भी आए मौका मिले तो आप मेट्रो का सफ़र ज़रूर करें पूरा। जब वैसे ही घूमने के लिए आपको ऑटो टैक्सी और बस के द्वारा करना पड़ता है, तो आप मेट्रो में सफ़र कर सकते हैं, सबसे सस्ता है। सो गाइस, अभी मेन रेलवे स्टेशन आगे हैं, आप देख सकते हैं मेन रेलवे स्टेशन आगे। और कुछ इस तरह से ये गाड़ी का नज़ारा आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर है। मेट्रो स्टेशन सब ऑटोमेटिक डोर है और ऑटोमेटिक हाई स्पीड से ये भागती है। और ये ऊपर आप देख सकते हैं भाई जी, आगे की ओर निकल रही है, दो लास्ट स्टॉप है अब ये मेन रेलवे जंक्शन, आप देख सकते हैं ये जयपुर का मेन रेलवे स्टेशन, आप देख सकते हैं ये जा रही है पैसेंजर जो धरती पर चलने वाली है। ये मेन रेलवे स्टेशन, ये प्लेटफॉर्म आप देख सकते हैं मेन जयपुर का। और एक ही मेट्रो स्टेशन आप देख सकते हैं कितनी ऊँचाई के ऊपर चल रही है ट्रेन। तो ये देखिए जयपुर का रेलवे स्टेशन का और मेट्रो स्टेशन का सफ़र यहाँ तक था। मैंने अभी नीचे जाना है और फिर मेन जंक्शन पे जाना है और आगे की ओर जोधपुर की ओर प्रस्थान करना है। सो गाइस, आप कभी भी आओ रेलवे में मेट्रो में सफ़र करो, तो नीचे मेन स्टेशन है, वहाँ से टिकट काउंटर पे ऐसा एक कॉइन मिलेगा। और ये यहाँ रेलवे स्टेशन से मैं मानसरोवर गया था, सिर्फ 18 रुपये का है और 18 रुपये में ये टोकन है, टोकन सिस्टम काम करता है। यहाँ से टोकन लेके जाना है और वहाँ उतरना है, तो ये टोकन वहाँ पे डालना है, तो आपको एग्जिट कर दिया जाएगा। सब ऑटोमेटिक मोड के हिसाब से चलता है और यहाँ पे काफ़ी अच्छी सुविधा है मेट्रो की। और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सीढ़ियाँ भी हैं, पैदल ट्रैक भी कर सकते हो, और इस शौचालय सीढ़ियाँ भी और लिफ्ट भी हैं, काफ़ी अच्छी सुविधा है। तो अभी आपको मैं नीचे की ओर भी लेके जाऊँगा, तो नीचे का वीडियो भी बना के दिखाऊँगा। तो अभी चलता हूँ मैं नीचे की ओर, अभी ऊपर हूँ, मैं उतर गया हूँ, नीचे की ओर जा रहा हूँ और बाहर एग्जिट होता हूँ, फिर मेन रेलवे जंक्शन की ओर जाना है, जोधपुर की ओर प्रस्थान करना है। तो आप भी आ सकते हैं, इसमें आप बैठ सकते हैं, काफ़ी सस्ता है और पूरा सिटी आप घूम सकते हैं और ऊपर से आप सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं, व्यूज़ दे सकते हैं, काफ़ी सुंदर दिखती है। तो जयपुर नीचे से घूमने से बजाय एक बार इस मेट्रो स्टेशन में भी आके आप इसके अंदर बैठ के आप सफ़र कर सकते हैं। मैं भी फ़र्स्ट टाइम आया था, अब फर्स्ट टाइम मैंने किया है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। गाइस, अभी मैं लिफ्ट के माध्यम से नीचे जाऊंगा, आप देख सकते हैं यह है लिफ्ट है, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। ये देखिए, ये प्लेटफॉर्म बाहर का नज़ारा है और ये नीचे की ओर जा रहे हैं हम, आप देख सकते हैं यहाँ सब सिस्टम लगा हुआ, आप देख सकते हैं। और अब हम नीचे उतर गए हैं, ये है मेन धरती वाला प्लेटफॉर्म, मेन बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं। सो गाइस, अभी मैं नीचे आ गया हूँ मेन हाईवे पे और मेन रेलवे स्टेशन पीछे मेन जंक्शन है। और ये ऊपर आप देख सकते हो फ्लाईओवर, यहाँ ऊपर रेलवे ट्रैक ऊपर ये है ना बना हुआ, इस पर दौड़ती है। और पीछे आप देख नज़ारा देख सकते हैं, ये बाहर आ गया हूँ। तो अभी वीडियो को एंड करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेल देम गुड बाय, खमागणी राम राम साहब। वीडियो को एंजॉय जरूर करना हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय श्री राम।